आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रेंड्स शाही सेवैयां। सबसे पहले हमें नीड है उसके लिए गरी, जो हमने 1/4 लिया है, 1/4 पूरा गोला का 1/4 हिस्सा लिया है। इस तरह से आप कट कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से नहीं बारीक अच्छा लगता है तो बारीक कट कर सकते हैं। और पिस्ता ये हमने निकाल के रखा हुआ है, बादाम, और ये है काजू, चीनी, मिल्क, ये हमने बफेलो मिल्क यूज किया है, और सेवैयां। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट सेवैयां को हम भून लेंगे इस तरह से। पांच मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी भुनी हुई थी, बस मैंने इसको हल्का हल्का गर्म कर लिया है। एक गिलास मैंने पानी डाला है। मैं इसे पहले पानी में पका रही हूँ, देन मैं इसमें मिल्क ऐड करूंगी। मैं बताऊंगी कब आपको मिल्क ऐड करना है। फ्रेंड्स, हम इसमें 1 स्पून देसी घी डालेंगे ताकि ये आपस में चिपके ना। देखिए फ्रेंड्स, पानी लगभग सूख गया है, बस थोड़ा सा रह गया है, वो हमने रखना है। अब मैं इसमें मिल्क ऐड करने जा रही हूँ, 1 kg। मैंने इसमें मिल्क ऐड कर दिया 1 kg। अब मैं इसमें एक उबाला लगवाऊंगी। फ्रेंड्स, मिल्क बॉईल हो चुका है। फ्रेंड्स, मिल्क बॉईल हो चुके हैं, देखिए। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ, सारे मैंने पीस लिए हैं, और कोकोनट। फ्रेंड्स, मैंने बादाम जो लिए हैं वो हैं 15 to 16 pieces, पिस्ता जो हमने लिए 10 to 12 pieces, और काजू मैंने लिए 7 to 8 pieces। अब ये आराम से 10 to 20 minutes होती रहे, मैंने बिल्कुल सिम फ्लेम पे पकाना है इसे। अभी मैंने इसमें शुगर ऐड नहीं की है। फ्रेंड्स, स्वाद अनुसार अपने अकॉर्डिंग आप बेसिकली चीनी डाल सकते हैं। मैं अपने घर के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है आप मीठा ज्यादा डाल सकते हैं। अब इसे 5 मिनट और पकाना है, देन ये जो सेवैयां हैं, शाही सेवैयां रेडी हो चुकी हैं। ओके, बस 5 मिनट और। फ्रेंड्स, आपकी जो सेवैयां वो तो बस 2-3 मिनट में रेडी होने वाली हैं, पर इससे पहले इसमें बहुत अच्छी खुशबू आए, वो एक मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, वो है आपको अब इसमें इलायची डालनी है, जो मैंने आपको नहीं बताई थी। 3 इलायची आप अच्छे से कूट लें और इसमें डाल दीजिए। ठीक है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। बस अब आपको इसको मिक्स कर लेना है। हमारी सेवैयां लगभग रेडी हो चुकी हैं। एक बॉईल और आ जाए, बिकॉज मैंने इसमें इलायची डाली है, तो मैंने पूरी फुल फ्लेम पे अब इसे पका रही हूँ। बस 2 मिनट और, देन ये रेडी है। फ्रेंड्स, ये शाही सेवैयां रिच इन ड्राई फ्रूट्स, इसे जरूर ट्राई कीजिए, बिकॉज ये हर एज के लिए बहुत ही हेल्दी है रेसिपी। ओल्ड एज हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो लेडीज हो, बिकॉज उनको दूध की और ड्राई फ्रूट्स की नीड तो होती ही है। तो इसे जरूर खाइए और अपनी हेल्थ अच्छी कीजिए। तो चलिए, बाय बाय।